दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ नटखटी और शरारती जानवरों के बारे में। दोस्तों जहां हम जानवरों को खतरनाक समझते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत शरारती होते हैं। इनको देखकर लगता है कि इन जानवरों में बच्चों की तरह शरारत भरी पड़ी है और ये इतनी शरारत करते हैं कि सामने वाले की नाक में दम कर देते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही शरारती जानवरों के बारे में जिन्हें रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आइए शुरू करते हैं। बंदर दुनिया का सबसे नटखटी जानवर है। बंदर की बहुत प्रजातियां हैं, पर बहुत से बंदर नटखट होते हैं। इनको इंसानों और जानवरों को तंग करना बहुत अच्छा लगता है। ये कुत्ते, बिल्ली और शेर को भी तंग करने से पीछे नहीं हटते। कुछ समय पहले बंदर की एक वीडियो इंटरनेट पर बहुत वायरल हुआ था, जिसको लोगों ने बहुत पसंद भी किया था, जिसमें बंदर को दो शेरों के कान खिंचाई करते हुए देखा जा रहा था। बात कुछ ऐसे थी, पेड़ के नीचे बैठकर दो शेर खेल रहे थे, उसी पेड़ पर एक बंदर भी बैठा था। शायद उस बंदर को अपने इलाके में इनका आना पसंद नहीं आया। उन दो शेरों को भगाने के लिए उसने उनको तंग करना शुरू कर दिया। वो उनका कान खींचता, कभी पूंछ खींचता और कभी कभी उनको थप्पड़ का प्रसाद भी दे रहा था। तंग होके शेर ने भी उसको पकड़ना शुरू कर दिया, पर बंदर उसके हाथ कहाँ आने वाला था, इसलिए शेरों को हार मानकर वहां से जाना पड़ा। और इसके साथ साथ ये दूसरे जानवरों जैसे कि कुत्ते, बिल्ली को भी बहुत ज्यादा तंग करते हैं और वो तंग होकर गुस्से में आ जाते हैं, फिर भी बंदर उनको तंग करने से नहीं हटते। बंदर इतने नटखटी होते हैं कि वो जानवरों की पीठ पर जबरन बैठकर सवारी भी करते हैं और साथ में उनको तंग करते हैं। कई जगह तो ये इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। ये उनका सामान छीन लेते हैं ताकि सामान वापस लेने के बदले में वो उन्हें कुछ खाने को दे दे और फिर ये उनका सामान वापस कर देते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमारी लिस्ट में बंदर एक सबसे ज्यादा खतरनाक और नटखट जानवर है। एलिफेंट। और मैं आपको एक कमाल की बात बता देता हूँ, ये गाना सुनने से चित्र भी बनाते हैं। ये बहुत विचित्र बात है, इनके चित्र बनाने की कला बहुत विचित्र है, क्योंकि इन जैसी पेंटिंग शायद हम भी ना बना पाए। चलिए ये तो इनकी कुछ दिलचस्प बातें हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एलिफेंट एक नटखटी जानवर है। आपने कई बार पालतू हाथी को देखा है, रास्ते पर चलते हुए अगल बगल पर चल रहे लोगों को धीरे से लात मार देते हैं और चलते बनते हैं, और ये पूंछ से भी उन्हें कभी कभी झापड़ मार देते हैं। इनके बहुत से लात मारते हुए ऐसे वीडियो रिकॉर्ड हुए जैसे कोई नटखट दोस्त लात मारता है। अब बात करते हैं क्रो के बारे में। कौवा समझदार होने के साथ साथ नटखट भी है कि वो जानवरों की पूंछ पर अपनी चोंच मारकर उनके साथ शरारत करते हैं। ज्यादातर ये कुत्तों की पूंछ को चोंच मारते हैं, शायद इन्हें भी ऐसा करने में मजा आता है। जैसे कि हम इस वीडियो में आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये कौवा कुत्ते की पूंछ पर चोंच मार रहा है, इसलिए कुत्ता परेशान होकर सीढ़ियों के नीचे चला जाता है, पर ये कौवा इतना शरारती है कि कुत्ते को वहीं जाकर तंग करने लग जाता है। दोस्तों जानवर पक्षी भले ही शांत, खतरनाक, खूंखार और गुस्से वाले होते हैं, लेकिन उनकी ऐसी हरकतों को देखकर लगता है कि शरारत करने के मूड में होते हैं, तो ये अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आते। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक तो बनता है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।